ये है आपके स्टडी ऑफ गोनग्रोसीरा स्टेज। क्या है गोनग्रोसीरा स्टेज? तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, द स्टेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ डिसेकेशंस ऑफ लो टेम्परेचर्स। क्या होता है जब एडवर्स कंडीशंस आता है ना, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कौन सा, लो टेम्परेचर्स जब होता है तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार का जो है ना अवस्था है कि उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें। दूसरा है कि इट इज़ कॉल्ड गोनग्रोसीरा, यह क्या कहलाता है, गोनग्रोसीरा कहलाता है बिकॉज इट लुक्स स्मॉल अनदर एल्गल मेंबर्स। यानी कि यह क्या होता है, एक खास प्रकार के जो है ना, एक शैवाल के सदस्य के जैसा जो है दिखता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, गोनग्रोसीरा स्टेज कहते हैं। ठीक है, तीसरा है कि इन दिस स्टेज फिलामेंटस इज डिवाइडेड इनटू मेनी शॉर्ट्स एंड थिक वॉल पार्ट्स। यानी कि इसमें होता क्या है कि इस अवस्था में जो है ना फिलामेंट्स यानी तंतु जो है बहुत सारे हिस्से में बढ़ जाते हैं और इनकी जो है कोशिका भित्ति होती है मोटी और छोटी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ईच ऑफ दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एकाइनेट्स और सिस्ट कहलाता है। यानी कि ये जो आपके टुकड़े टुकड़े हुए ना, इसमें क्या होता है, एकाइनेट्स फॉर्मेशंस होता है और इसमें जो है सिस्ट वॉल पाया जाता है। अगला है एकाइनेट्स आर थिक वॉल्ड, यानी कि एकाइनेट्स जो हैं वो कैसे हैं, मोटी दीवार वाले हैं एंड रिच इन ऑयल कंटेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, तेल जो है क्या होता है, तेल की मात्रा ज़्यादा होती हैं। अगला है एकाइनेट्स अकर्स लॉन्ग चेन, यानी कि जो आपके एकाइनेट्स है ना वो एक लंबे श्रृंखला बनाते हैं जो अल्टरनेटिंग विद द पार्ट्स ऑफ फिलामेंट्स, जो क्या होता है, एक दूसरे से अल्टरनेट फॉर्म्स में जुड़े रहते हैं।